सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इजी कुक में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए बनाएंगे बची हुई रोटी से नाचोस को बनाना और साथ ही हम उसके लिए बनाएंगे एक चीज डिप। जी हाँ, दोनों की रेसिपी आप एक ही वीडियो में देख पाएंगे और बची हुई रोटी का ये एक सबसे अच्छा यूज है। बच्चों को ये इतने टेस्टी लगते हैं कि वो आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे और आप इनको बनाकर एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा टी टाइम स्नैक भी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इसी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाचोस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है ये दो चपाती। ये हमारी लेफ्ट ओवर चपाती है और गेहूं की चपाती है। इसके साथ आज हम अपने नाचोस बनाएंगे। दो हमने ये ले ली है। अब हम एक के ऊपर एक रख कर इनको पिज्जा कटर ले लिया है, इनको हम पहले हाफ में काटेंगे और ये रोटी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अब हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और इनको फिर से हाफ कर लेंगे, फिर से हम इनको इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए, ये आ गई बिल्कुल नाचोस की शेप। इसी तरीके से बाकी सभी रोटियां भी हम इसे ही काट लेंगे। हमने अपनी ये सारी चपातीस को अच्छी तरीके से इसे ट्रायंगल्स में काट लिया है। तो चलिए अब अपना आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हमने अपनी यहाँ पर कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डालकर इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया है। अब हम जो हमने ये रोटी के पीसेस काटे थे उसको डालेंगे इस तरीके से और एक बार में सारे मत डालिएगा, थोड़े थोड़े डालकर हम इनको डीप फ्राई करेंगे और बिल्कुल क्रिस्प ब्राउन कर लेंगे हम इनको। अलट पलट कर लीजिए और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम भी कर लेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये रोटी वाले नाचोस बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इनको फ्राई करने में हमें एक मिनट भी नहीं लगा है। तो कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गए और बाकी बची हुई रोटी भी हम इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गए हमारे ये नाचोस। ये इतने ज्यादा क्रिस्प हैं कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और अब हम इसके ऊपर लगभग दो चुटकी नमक की डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। बस, और इसके ऊपर एक हम मैजिक मसाला डालेंगे। जी हाँ, ये है हमारा पेरी पेरी मसाला जिसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसको भी हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आए। लेकिन अगर आपके पास ये पेरी पेरी मसाला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब हमारे ये नाचोस तो तैयार हो गए लेकिन इसके साथ हम अपनी एक डिप भी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी चीज डिप बना लेते हैं। चीज डिप बनाने के लिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक कांच का बोल ले लिया है और उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रोसेस चीज ले लिया है जिसको हमने कस लिया है, ये डाल देंगे। और यहाँ हमने जो फ्रेंड्स ये चीज लिया है, प्रोसेस चीज जो लिया है वो ब्रिटानिया का ये वाला चीज क्यूब लिया है और यहाँ हमने ये तीन चीज क्यूब यूज किए हैं। और अब हम इसके अंदर लगभग दो टेबलस्पून क्रीम के डाल देंगे। दो टेबलस्पून हमने यहाँ पर अपना ये क्रीम डाल लिया है और लगभग एक टेबलस्पून हम यहाँ पर दूध डाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून चीनी है और दो चुटकी नमक है, ये भी डाल देंगे और लगभग 1/4 टीस्पून से भी बहुत थोड़ा सा इतना हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ये
ये दो चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर के भी डाल देंगे। मिक्स कर लिया दोबारा से और अब हम इसको अपने मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका पेस्ट बना लेते हैं और अगर हमें दूध की थोड़ी बहुत ही रिक्वायरमेंट लगी तो हम डाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चीज डिप भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और हमने जब इसको ग्राइंड किया था तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध और ऐड किया था, बनकर तैयार हो गई है। और बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर बस एक चुटकी ओरिगेनो हर्ब की डाल देंगे और इसके ऊपर हमने एक ये हरे धनिया की लीफ लगा दी है। बनकर तैयार हो गई हमारी चीज डिप। तो चलिए अब हम इसको नाचोस के साथ सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा नाचोस विद चीज डिप। आपने देखा कि इसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है और अब नाचोस बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।